Morning students, we have done chapter 15 in the last class. Now we will start chapter 16, calendar, days of the week. There are 7 days in a week. आपको पता है 7 days होते हैं week में. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Answer orally. How many days are there in a week? कितने days होते हैं? 7. Name the first day of the week. First day कौन सा होता है? Monday. Name the last day of the week. Sunday. सबसे लास्ट डे कौन सा होता है? संडे. विच इज़ द थर्ड वर्किंग डे ऑफ द वीक? थर्ड वर्किंग डे कौन सा होता है? 1, 2, 3 वेनसडे. विच डे कम जस्ट बिफोर थर्सडे? थर्सडे से पहले कौन सा आता है? जस्ट बिफोर वेनसडे. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन ऑफ द डन फॉर यू. मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे हमारे उसके मिट के बताने हैं. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे. हमको यहाँ सीक्वेंस करना है. फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, मंडे. ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है. टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे. यस्टरडे डे जस्ट बिफोर टुडे. आज का एक आज से एक जस्ट पहले वाला दिन. टुडे द प्रेजेंट डे जो प्रेजेंट में है आज. टुमारो डे जस्ट आफ्टर टुडे आज के जस्ट बाद वाला दिन. यस्टरडे, टुडे और टुमारो होता है. ओके, रीड, अंडरस्टैंड एंड गिव द आंसर इन द बॉक्स. इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट डे वाज द यस्टरडे एंड व्हाट डे विल बी टुमारो. आज अगर मंडे है तो कल कौन सा दिन था और कल कौन सा दिन होगा वो बताना है. अगर आज मंडे है तो कल क्या था? संडे. एंड टुमारो कौन सा होगा? आज अगर मंडे है तो कल होगा ट्यूसडे. ओके, ये मंडे है. मंडे से यस्टरडे संडे एंड मंडे के टुमारो ट्यूसडे. इफ इट वाज फ्राइडे यस्टरडे That what day is a today and what day will be tomorrow. अगर कल फ्राइडे था, कल फ्राइडे था तो आज क्या होगा और कल क्या होगा? अगर कल फ्राइडे था तो आज क्या है? सैटरडे. और कल क्या होगा? संडे. ओके, इफ टुमारो इज थर्सडे अगर कल थर्सडे है देन वॉट डे इज टूडे एंड वॉट डे वॉज द यस्टरडे. अगर कल थर्सडे है तो आज क्या है और कल क्या था? अगर कल थर्सडे है तो आज वेनसडे होगा. और कल क्या था? ट्यूसडे. यस्टरडे का मतलब कल क्या था. ओके, यस्टरडे मीन्स एक दिन पहले वाला दिन. टूडे यानी प्रेजेंट डे और टुमोरो यानी आने वाला दिन. ओके, मंथ्स ऑफ ईयर. देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. 12 मंथ्स होते हैं. यहाँ दे रखा है ऑर्डर ऑफ मंथ्स, मंथ्स नेम एंड नंबर ऑफ डेज कि जनवरी में कितने होते हैं? 31. फरवरी में 28, 29 ऐसे दे रखा है हमारे को यहाँ पे. ओके, देर आर 365 और 366 डे इन अ ईयर. फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ अ ईयर. इट हैज़ 28 डेज बट अ लीप ईयर फरवरी हैज़ 29 डेज. ऑलमोस्ट जब भी होता है 365 डेज होते हैं वन ईयर में, लेकिन जब लीप ईयर आ जाता है तो 366 डे होते हैं और फरवरी में उस दिन 29 डेज होते हैं जब लीप ईयर होता है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 16A. आंसर द फॉलोइंग. हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज इन अ ईयर? मंथ्स कितने होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं? आप देखेंगे यहाँ पे 31 वाले डेज वाले मंथ्स कौन से हैं? जनवरी, फरवरी में 28, 29, मार्च, अप्रैल छोड़ देंगे 30 होते हैं, मई में 31, जून छोड़ देंगे जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर छोड़ देंगे अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 होते हैं, दिसंबर में 31. कितने मंथ्स हो गए ऐसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज होते हैं. ओके, सेवन मंथ्स होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं. हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज इन अ ईयर? 30 डेज वाले कौन से हैं? 1 फरवरी में तो 28, 29 होते हैं. 1, 2 अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर एंड अक्टूबर, फोर डेज, फोर मंथ्स हो गए. 1, 2, 3, 4.
क्या आ जाएगा? 4 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स है? 28 एंड 29 डेज इन अ ईयर। कौन सा मंथ होता है, कितने मंथ्स होते हैं जिसमें 28 29 डेज होते हैं? सिर्फ वन मंथ होता है फरवरी का जिसमें 28 एंड 29 होते हैं। ओके, इसे आपको SW में करना है। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे इन, कौन से ईयर में करते हो? वी सेलिब्रेट डेट बर्थडे माई सिस्टर इन, ये आपको SW में करना है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, 12 मंथ्स होते हैं वन ईयर में। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, द सेवेंथ मंथ ऑफ द ईयर इज, सेवन मंथ कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई आ जाएगा। द मंथ ऑफ नवंबर कम बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में क्या आता है? नवंबर। डैश कम बिटवीन सैटरडे एंड मंडे, सैटरडे और मंडे के बीच में क्या आता है? संडे। टीचर्स डे सेलिब्रेट इन 5th September एवरी ईयर, 5th September को हर साल मनाया जाता है टीचर्स डे। इन अ लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज, लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज आते हैं? 29 डेज। मैच द मंथ विद द इवेंट, न्यू ईयर कब आता है? जनवरी में, तो 1 नंबर डाल देंगे। पहले यहाँ 1 2 कर लेते हैं अपन, इससे अपन को इजी रहेगा मैच करने में। हैप्पी न्यू ईयर कब बोलते हैं? जनवरी में। योर बर्थडे, जैसे मेरा बर्थडे नवंबर में आता है तो मैं 2nd नंबर यहाँ डाल दूंगी। समर हॉलीडेज कब आती हैं? मई में। ऐसे टीचर्स डे कब आता है? सितंबर में। चिल्ड्रंस डे कब आता है? नवंबर में, 14 नवंबर को आता है ना, तो चिल्ड्रंस डे भी नवंबर में, ऐसे मैच कर लेंगे। गांधी जी बर्थडे अक्टूबर में, रिपब्लिक डे जनवरी में, क्रिसमस दिसंबर में, इंडिपेंडेंस डे अगस्त में, तो अपन इसको मैच कर सकते हैं। अगर आपको नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को बहुत से इवेंट ऐसे हैं जो एक ही मंथ में 2 इवेंट आते हैं, तो अपन उसको मैच कर लेंगे। ऐसे न्यू ईयर जनवरी में, मेरा बर्थडे नवंबर में आता है तो नवंबर में मैं कर लूँगी। समर हॉलीडेज मई में आती है तो मई में कर लेंगे। टीचर्स डे सेप्टेम्बर में आता है, चिल्ड्रंस डे भी नवंबर में आता है, गांधी जयंती अक्टूबर में आती है, रिपब्लिक डे जनवरी में आता है, क्रिसमस दिसंबर में आता है एंड इंडिपेंडेंस डे अगस्त में आता है। ठीक है ना, तो कुछ इवेंट ऐसे हैं जो एक ही मंथ में 2 टाइम्स आते हैं, जैसे जनवरी में न्यू ईयर भी आता है और रिपब्लिक डे भी आता है। ओके?